दो हमें, इधर आओ माँ पास। क्या 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 चाहिए? हाय कर दो भैया, बाय कर दो, बाय बाय। श्री को बुलाओ, श्री माँ को बुला रहा भैया, चलो दवाई खाओ। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और हम धो रहे हैं बर्तन, और यहाँ पर आज बनेगा हमारे यहाँ भरता। तो भरत के लिए देखो आप कंडे लगा दिए थे, तो भरत रोटी बनाई थी आज हमने, और वहाँ का काम हो गया था तो हम आ गए थे इस वाले घर पर। और इस घर वाले घर पर भी बहुत टाइम से मतलब झाड़ू नहीं लगी थी, हम लगा देते हैं इस वाले घर पर झाड़ू। और उस वाले रूम में मतलब यहाँ पर ताला लगा है, जो गैलरी में मतलब रूम है बीच में, तो वहाँ पर सामान रखा है बहुत सारा, स्टोर रूम बना दिया उसको, तो सब कुछ सामान उसी में रख देते हैं। तो वहाँ पर तो ऐसा बार बार झाड़ू लगाना होता नहीं, कभी कभार ही सफाई होती है। वहाँ पर तो ताला ही लगा रहता है क्योंकि सब सामान रखा है वहाँ पर, बच्चे भी खोल कर डाल देते हैं। और इस वाले घर पर ताला नहीं लगता, बस ऐसे ही दरवाजे लगा देते हैं, इसलिए इस वाले रूम में ताला लगा देते हैं। और आप लोग देख ही सकते हो, हम यहाँ से गैलरी में झाड़ू लगा देते हैं, और यहाँ पर मतलब पहले वाले रूम में भी झाड़ू लगा देंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे हॉल में झाड़ू, फिर पोंछा भी करेंगे। और वहाँ पर गैलरी है जहाँ पर गमले रखे हैं, तो वहाँ पर भी आज धोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, और पानी भी डालते रहते हैं। आप देख सकते हो ये पहला वाला रूम है, जो एंटर करते हैं ना इस वाले घर पर तो ये पहला पड़ता है, तो वही वाला रूम है। और यहाँ पर ये पेटी बहुत टाइम की है, मतलब सबसे पहली पेटी है, मतलब पलंग पेटी है जो पहले आई थी सबसे पहले, तो वो है। तो आप देख सकते हो उसका कलर भी चेंज हो गया, और ऊपर का जो ढक्कन होता है ना वो टूट गया था, तो वो चेंज करवा दिया था, तो उसका कलर अलग है, और जो नीचे रहता नीचे का कलर अलग है क्योंकि हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है। और आप लोग देख सकते हो झाड़ू हमने लगा दी है यहाँ पर, देखो आप कितना सारा कचरा है यहाँ पर। अभी पोंछा भी लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो आप बाहर कर देंगे यहाँ से, मतलब अंदर ही है, बाहर नहीं है, आपने देखा ही वो गेट है, अंदर ही है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं थोड़ी बाहर भी, और कचरा बाहर कर देंगे, थोड़ा सा ही निकला, ज़्यादा नहीं है। और फिर चलते हैं हॉल में, तो वहाँ की सफाई करते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर झाड़ू हमने लगा दी है, अब दरवाजे लगा देते। अब देखो गमले, देखो मतलब छत पर थे तो बिल्कुल भी सूख गए थे, और अब पानी डालते रहते यहाँ पर, और अंदर रख दिए छाया में, तो आप देख सकते हो फूल भी निकल आए हैं, और अच्छे हो गए, थोड़ी हरे हरे उस पर अच्छे हो गए हैं। और देखो यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं सब में, एक एक मग्गा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर यहाँ पर धोल देंगे अच्छे से, क्योंकि मिट्टी हो गई थी, तो पोंछा से तो नहीं चलेगा काम, तो पानी डालकर धो ही देंगे अच्छे से। पहले पानी डाल देते हैं गमलों में, फिर इसके बाद अच्छे धो देंगे गमले एक साइड कर कर।
और देखिए फ्रेंड्स, हमने धो दिया है अच्छे गमले हटा कर, तो पानी तो मतलब अच्छे से धुल गया। और देखो यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी जम गई, यहाँ से ही बस निकलता है पानी है। तो यहाँ पर पानी डालेंगे और हाथ से भी निकालेंगे क्योंकि तभी साफ़ होगा। तो आप लोग देखिए, देखो कितनी सारी मिट्टी है, मतलब निकलती है गमलों में से पानी डालते हैं। तो अब देखो यहाँ से थोड़ी सी जगह तो बाहर चला जाएगा पानी। तो देखो हम हाथ से भी करेंगे सफाई यहाँ की, जिससे साफ हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने धो दिया है तो वहाँ की सफाई हो गई है। अब थोड़ी हॉल की सफाई कर लेते हैं। सोफ़ा पे धूल हो गई थी तो टिशू से अच्छे, मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया था हमने टिशू, तो उससे अच्छे से पोंछ देते हैं सोफ़ा, जिससे धूल निकल जाए। और फ्रेंड्स, इस वाले घर पर रहते नहीं हैं तो ज़्यादा केयर नहीं हो पाती, क्योंकि एक घर का करो तो एक घर का रह जाता है। उस वाले घर पे भी बहुत काम होता है, खाना बनाना सब करना, बर्तन साफ करना, बहुत काम हो जाता है। वहाँ से फ्री होकर आई हूँ तो यहाँ पर लग गए, तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती ना कि वहाँ का करो फिर यहाँ का करो, थोड़ी रेस्ट चाहिए होता है, तो नहीं हो पाता। मतलब दोनों घर की रोज़ मतलब डेली नहीं हो पाती सफाई। इस घर की तो कभी कभार ही करती हूँ, दो तीन दिन में करती हूँ, डेली नहीं करती। तो आप देख सकते हो यहाँ की हमने सोफे अच्छे कर दिए थे साफ, तो वो हो गए थे। अब यहाँ पर हम झाड़ू पोंछा कर देते हैं, धूल मिट्टी हो जाती है तो आप लोग देख सकते हो। पर मैं बैठी थी तो ये देखो द्रब आ गया था खेलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमसे बात भी कर रहा था और आप लोग देख सकते हो खेल रहा था। कृष्णा भी बैठा है, टीवी देख रहा था, टीवी चल रही थी तो हम लोग टीवी देख रहे थे। तो यहाँ की हमने आवाज़ बंद कर दी थी क्योंकि टीवी में गाने चल रहे थे, तो इसलिए हमने बंद कर दी यहाँ की आवाज़। तो आप लोग देख सकते हो द्रब खेल रहा था और मैं ना अभी फ्री होकर बैठी थी। तो अभी कृष्णा लेकर आ गया द्रब को, तो हम लोग अब थोड़ी खेलेंगे द्रब के साथ ही। अच्छा लगता है गांव से फ्री हो, फिर द्रब आ जाता है, छोटा है तो मतलब वो छोटे ही से खेला है हमारे, मतलब हमारे यहाँ आ जाता था, छोटा सा था तब से आ रहा है, तो अच्छा लगता है। अगर वो नहीं आता खेलने के लिए तो बुरा लगता है, तो हम लोग खुद लेकर आ जाते। मैं तो खुद बुला लेती फ़ोन करके कि द्रब को भेज दो, मतलब देवरानी का लड़का है, मतलब